हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। ओके, क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो क्या कहा है कि इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, जब फ्रॉम लगा है तो फ्रॉम के बाद वाला जो है वो पहले रखा जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले से इसे रखें। ठीक है, और हम यूज़ कर रहे हैं कॉलम मेथड, यूजिंग कॉलम मेथड। ठीक है, कॉलम मेथड में क्या एक के नीचे दूसरा रखते हैं, तो सबसे पहले हम इसे रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब जो इसे रखना है तो इसके सिमिलर टर्म्स इसके सिमिलर के नीचे रखेंगे। ठीक है, जैसे a वाला टर्म है तो a वाले के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 4a, फिर ab वाला टर्म ab वाले के नीचे, माइनस का 7ab, फिर ये b वाला टर्म b वाले के नीचे, प्लस का 3b और ये प्लस का 12। ठीक है, अब ये तो हमने ये रख लिया, नीचे ये रख लिया। अब क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक कर रहे हैं। जब हम सब्ट्रैक करते हैं तो नीचे के सारे साइन बदलते हैं। ठीक है, तो चेंज करना साइन, जब हम साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसे यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, ये प्लस होगा अगर कुछ नहीं है, तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। ओके, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस। ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि अब इस साइन का कोई मतलब नहीं। अब हम इसे और इसे लेकर के सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 12 माइनस 4 दैट्स 8a, वो भी प्लस का, क्योंकि 12 ग्रेटर है इसके पास प्लस का साइन। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 9 माइनस 7 2 और वो भी ab। ठीक है, और साइन आएगा ग्रेटर का, 9 ग्रेटर इसके पास माइनस साइन, ये हो गया। अब इसे करें, ये प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 3 2b। ठीक है, b का टर्म है, साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर का, तो 5 ग्रेटर इसके पास प्लस साइन है तो ये प्लस आ जाएगा। फिर इसे माइनस माइनस प्लस, 12 और 3 15 और साइन आएगा ग्रेटर का, 12 ग्रेटर है उसके पास अब माइनस साइन है, इसे नहीं देखना है इसे देखना है, माइनस। बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमने किया कॉलम मेथड से, अब इसे ही हम किससे करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से। ठीक है, ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम लगा है तो पहले हमेशा इसे ही रखा जाएगा, फिर इसे। तो पहले रखा हमने 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये पूरा एक्सप्रेशन हमने रख दिया, ब्रैकेट से कवर कर लो, फिर एक माइनस क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर इस एक्सप्रेशन को रखो, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ओके, अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में माइनस साइन है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये तो ऐसे ही खुल जाएगा, लेकिन ये जब खुलेगा तो साइन बदलते जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है, सारे साइन बदल जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस, 4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस, 3b माइनस प्लस माइनस 12। ओके, अब जो हम देखते हैं सारे साइन बदल गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब सिमिलर टर्म्स को पास करना है हमको, तो ये है 12a, इसका साथ ही a वाला है, ये रहा माइनस का 4a, फिर
ए वाले और कोई तो है नहीं। अब हम सेकेंड वाला देखें, माइनस का 9 ए बी, इसका साथ ही ए बी वाला ये रहा, ठीक है, तो ये प्लस का 7 ए बी, फिर यहाँ तक पहुँच गए। अब ये 5 बी प्लस का 5 बी, इसका साथ ही कौन है बी वाला, ये रहा माइनस का 3 बी, फिर माइनस का 3, तो इसका साथ ही ये रहा माइनस का 12। अब आप दोनों है ना, ये ए ए वाले, ए बी वाले, बी बी वाले और ये कांस्टेंट सॉल्व कर दीजिए। तो जब ये दोनों सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों ए बी वाले हैं, ये दोनों बी वाले हैं, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, जब इनको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 12 - 4 इज ये आ गया 8a, वो भी प्लस का, इसलिए क्योंकि जो ग्रेटर होता है उसका साइन यूज़ करते हैं। फिर माइनस प्लस माइनस, 9 - 7 2ab, वो भी माइनस का, क्योंकि ग्रेटर माइनस है उसके पास माइनस साइन है। फिर हम इसको देखें तो b प्लस माइनस माइनस, 5 - 3 2b, वो भी प्लस का, प्लस का क्यों, क्योंकि ग्रेटर का साइन 5 के बाद प्लस साइन है। फिर माइनस माइनस प्लस, 12 - माइनस माइनस प्लस 12 - 3 15, वो भी माइनस का क्योंकि ग्रेटर के पास माइनस साइन है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसके बाद तो कुछ हो नहीं रहा है।